शादी से पहले ना मेरे 2 हाथ थे और शादी के बाद मेरे 8-10 हाथ हो गए। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है चटनी। इतनी तेज धूप थी और अंधेरा हो गया और अब बाय कर दो। चाची खोल दे ये यार, तो मेरी बेइज्जती मत मारो, सब बता मेरे को, पता ना मन्ना। बना दी हूँ अपने लिए मैकरोनी उबालने के, बोलने के तुमसे ना हो पाएगा जेडी, ये सब सब्जी मुझे चाहिए। और इसी के साथ मैं चली पूरी सब्जी बनाने के लिए। तो खा लेना। गुड मॉर्निंग गाइस, तभी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ जो कि मैं खाली पेट पीती हूँ। इसमें सौंफ है, दालचीनी है, अजवाइन है। अच्छा पहले मैं डाल लेती फिर बताऊंगी आपको। तो मैंने छान लिया, इसमें नींबू डाल रही हूँ मैं, आधा नींबू भी नहीं है, कम डाल रही हूँ। यहाँ पे ना मैं चल रही हूँ काले चने, क्योंकि गुन्नू देख रही टीवी। मैंने आलू भी काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं। मम्मी लोगों का ऐसी सीन होता है, सोचते हैं जो टाइम मिल जाए उसमें कुछ ना कुछ काम हो जाए। तभी गुन्नू टीवी देख रही है थोड़ा, तो मैंने कहा चढ़ा लेती हूँ, फिर बैठ के नाम से अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीऊंगी। तो मैं जिम वगैरह से आई, फ्रेश वगैरह नहा धो लिया मैंने सब कुछ, और ये ड्रिंक पी ली। इसमें ना अजवाइन है, सौंफ है, दालचीनी है, जीरा है, क्या है, सौंफ बोल दिया, जीरा बोल दिया, अजवाइन बोल दिया, दालचीनी बोल दी, ऐसा लगता है एक चीज बोल रही हूँ, मेथी दाना, मेथी दाना। तो इसमें मेथी दाना भी, ऊपर से मैंने नींबू डाला, रात भर इसको मैंने सोख करके रखा था सब चीज़ों को हल्के से गुनगुने पानी में। बहुत ही बहुदा वाहिदा जो भी होता है बकवास हो रहा है। आज मैंने पहली बार नींबू डाला है। एंड आज मुझे मकबंग वीडियोस नहीं बनानी है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेती हूँ आज। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले इस पापी पेट की भूख मिटाने के लिए। इतना खाती हूँ मैं, भरता ही नहीं है, फिर भर जाता तो निकल जाता है, इसको अंदर करने के लिए ये सब पीना पड़ता है। धनिया, हल्दी, नमक, बस जब ये बन जाएगा अच्छे से तब इस भुनो के लिए निकाल के बाकी मसाले तब डालूंगी। शादी से पहले ना मैंने 2 हाथ थे और शादी के बाद मेरे 8-10 हाथ हो गए। एक हाथ से करो जल्दी, नहीं भी करो वो भी करो। बार बार मेरी लड़की का टीवी भी बदलना होता है। आ तो रही ये नहीं देखना, दूसरा लगाओ। अभी मेरे चावल भी बन चुके हैं, जीरा राइस मैंने बनाए हैं, रायता भी बन चुका है, मैंने बनाया है कुमाऊनी स्टाइल, उत्तराखंडी स्टाइल रायता है। थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे, तब तक मैं सोच रही हूँ फ्रूट्स खा लेती हूँ मैं मेरे ब्रेकफास्ट में। तो मैंने संतरा सेब दिया, पपीता अनार वगैरह भी पड़ा हुआ है मेरे पास, बट अभी खाने का मन नहीं है, तो सेब और संतरे। तो गाइस बन गया खाना, हम खा रहे हैं, काले चने हैं, चावल है और सैलड में खीरा मैंने काटा है क्योंकि गुन्नू ले लिया सारा, तो ठीक है इतना फिर भी बच गया। ये हरी चटनी है, तो ये है पूरा अभी का। गुन्नू यहाँ पे खा रही है खीरा फैला फैला के। गुन्नू ने अपना खाना खा लिया है, तो अभी मैं निश्चिंत होकर खा सकती हूँ, जब तक थोड़ी देर खेल रही है वो। खीरा दे रखा है तो ये भी दे दूंगी मुझे थोड़ा, लेकिन शांत तो बैठ जाए। और यहाँ पे कार्टून लगा रखा है, टीवी लगा रखा है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है चटनी ऐसी खाने वाली, मतलब एक दो बार मोमोज की चटनी बना रखी है मैंने, बाकी ऐसी हरी चटनी और चटनी कुछ नहीं बना रखा। ट्राई करते हैं इसको। भाई कोई तोड़ नहीं, वो जा रहा चटनी के साथ ज़्यादा ही।
लेना, तू खा लेना, ले बस 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 ना ना कह दे खा 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 खा। हाँ बस मैं खान तो खान दे खीरे देख रहे उसने छेद कर करके यहाँ पे फेंक देते हैं और मेरे को उठा के खिला देते। गाइस अभी इतनी तेज धूप थी और अंधेरा हो गया और अब बारिश हो गई थी, जब बच्चे देखे खेलने के लिए आ रखे और भीग रहे, अब घर जाके मम्मी से मार खाएंगे क्योंकि नहाने का मौसम तो है नहीं बारिश में। सी बारिश में ज्यादा मोटी मोटी सी यहाँ जैसे कम भीगते हैं जिससे उस तरीके से कुछ। हाय हाय तो कर दो, मेरे को करो, मेरे को मम्मा को दे, देखो बस हो गया है। एंड गाइस एक अपडेट भी दे देती हूँ आपको, अपडेट तो ऐसे करके कितनी बड़ी अपडेट होगी। तो अभी डाइटिंग का ना आज मैं सोच रही थी बनाऊंगी प्रॉपर, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या होता है क्योंकि हम जा रहे हैं घर क्योंकि कल है फूल डे, कल एक त्यौहार है जिसमें ना बच्चे मतलब से जाते हैं उनको चावल गुड़ वगैरह ऐसे देते हैं, ऐसे कुछ त्यौहार होता है उत्तराखंड का, तो वो है कल और गुन्नू तो मनाएगी तो हम जा रहे हैं घर। और सबके साथ डाइटिंग का तो कोई सीन बनता ही नहीं है, बुलाओ खाओ मंगाओ खाओ यही रहता है मेरा वहाँ पे दिन भर। तो अभी देखता हूँ शाम का क्या होता है, कंट्रोल करती हूँ मैं या फिर खा लेती हूँ। तो सबके साथ ना ऐसा अच्छा लगता, मतलब वो सब है या फिर अलग से ना खाओ तो अच्छा लगता, परिवार पूरा बैठा हो और खाना खाओ साथ में उसका अलग ही मजा है। डाइटिंग वाइटिंग मोटापा एक जगह है और ये मज़ा अलग है। तो अभी पता नहीं है, देखो लेट्स सी क्या होता है आगे वाले ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा जिससे आगे ब्लॉग बढ़ता जाएगा। बाय करना है पापा, ले जा रहे तेरे को, नहीं नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा रहे, इसको बाइक में बैठने का इतना शौक है ना, बाइक में रिक्शे में गाड़ियों में मेरी तरह, मेरे को बाइक ही रिक्शे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। बाय कर दो, तो हम निकल गए घर के लिए। क्यों निकले, क्यों निकले? तो गाइस अभी मैं पहुंच गई ससुराल, यहाँ पे बन रही है रोटी एंड मैं बना रही हूँ अपने लिए मैकरोनी। उबालने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे मैकरोनी को। मुझे पता है डाइटिंग पे थी, बट मैंने कहा था जैसे कि आपको यहाँ डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है कि अभी डाइटिंग का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला, तो मैंने सोचा क्या खाऊं क्या खाऊं, मन ही कुछ नहीं कर रहा था। फिर मेरे को सूजी की मैकरोनी दिखी, मैंने कहा जब डाइटिंग तो होनी है तो अपनी मन की इच्छा भी पूरी कर लेती, तो मैं बना रही हूँ मैकरोनी और रोटी सब्जी भी बन रही है क्योंकि सब नहीं खाने वाले हैं, मेरी तरह सबकी जीभ चटोरी नहीं है, मेरी ज़्यादा है। और फिर मैंने सोचा जब तोड़ी है डाइटिंग तो एक मिनट तो चाय थी तो मैंने सोचा चाय भी पी लेती थी, तो चाय यहाँ पर भी पीऊँगी थोड़ी देर। एंडी गुन्नू ने ना बिस्कुटों का ऐसा कुछ हाल कर दिया था, सोच रही भी खा लूँ क्योंकि बहुत सूजे सूजे सीले से हो जाएंगे और कल मैं नहीं खाऊंगी, कल मुझे वीडियो भी बनानी है तो कल तो मैं कुछ और नहीं खाने वाली हूँ, तो ये मैं खा लेती हूँ और कोई खाएगा नहीं सीले हुए बिस्किट। सोच रहे लोग बोल रहे तुमसे ना हो पाएगा जेडी, ये सब सोच मुझे हंसी आ रही है। लेकिन हर बार नहीं होता है प्रॉपर, क्या चीज है ना, एक व्लॉग प्रॉपर बनाऊंगी मैं लोगों के लिए। एंड पता है मैं ना जो वीडियो बनाती हूँ व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ खा लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे मतलब बहुत लोग हैं जिनको देखना पसंद है ऐसे फूड मेरे ब्लॉग्स में, तो उनको अच्छा लगता था, मैं सोचती यार ठीक है चलो ब्लॉग्स में मैं खा लेती हूँ, अगर ब्लॉग नहीं बना रहती तो शायद मैं खाती नहीं, या खाती तो मतलब एक रोटी खा लेती सब्जी के साथ ऐसे डिप करके चटनी के साथ, बट अभी ब्लॉग है ना मेरा मन ललचा जाता है। क्यों चीटिंग कर रहे भाई, तो उसको के है यार, ये गुरु रेडी हो गई है फूल दे यार, तो मेरी बेइज्जती मत मारो, सब बता मेरे को, पता ना मन्नू क्या आज क्या है, फूल
फूल क्या दे, पैसे दे, जब पता होगा तब लियो। तो जा रही है, चलो चले चले खुशी। आज उन्होंने जीन्स पहनी हमारी फर्स्ट टाइम, उसको हम पहनाते नहीं वैसे कभी। नहीं नो नो बोल दे, नो नो चुटिया नहीं जाओ, बाय चलो चले बाय। चलो तुम लेके जा रहे हो। तो गाइस गुरु तो चली गई है अपना त्यौहार मनाने के लिए, सामने बगल वाले घर में ही गई है निहालों के यहाँ, नीचे जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर भी जाएगी तो पता नहीं। और मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करने के लिए रुक गई, तो मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, फिर मैं भी जाते देख के आती हूँ। अच्छा लगता है मेरे को देखना इसमें ना दहलीज में फूल रख, इसमें ना बच्चे जो होते ना दहलीज में जाके लोगों के घरों के ना फूल रखते थे, तो उनको गुड़ चावल। और मेरे को प्रॉपर नहीं पता है क्योंकि मेरे मायके में कम लोग, मतलब अब बहुत ज़्यादा कम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट यहाँ पे सब करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नॉलेज भी मुझे नहीं है, बट जितनी हो पाई एक दो सालों में उतनी मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग देख लेना, आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा जानने में तो। कल शाम को ना मैंने बिस्किट वगैरह खाया, इसके अंदर मैं शूट नहीं किया, मतलब मैंने फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा मतलब बिजी हो जाती हूँ, ज़्यादा मतलब हंसी मजाक एंड और सारी चीज़ें काम का सब कुछ मतलब इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती थी, मैं बिल्कुल ही मतलब स्किप हो जाता मेरे माइंड से कि हाँ मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तो कल भी ऐसे ही हुआ फिर से, जब मैंने खाना वाना खा लिया, मैक्रोनी खाई थी मैंने आपको बताया था, उसके बाद मुझे ध्यान आया अरे यार मैंने तो शूट करना था यार, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, लड्डू वगैरह थे मम्मी कह रही थी खा लिया, बट मैंने कहा नहीं ठीक है इनफ है, हाथ से ज़्यादा नहीं करना है। और बस दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। और इसी के साथ मैं चली पूरी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आज त्यौहार है तो यही बनेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।